नमस्कार आप सभी के लिए। आज 22 तारीख, ये 22 अप्रैल 2020, जिस एडिटोरियल की हम बात करने वाले हैं, जो द हिंदू में पब्लिश है, लिखा गोविंद राव जी ने है, जो 14th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। और यही सब हम मेजर के बारे में, पूरा का पूरा जो कोविड-19 का जो इफेक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, उसी पे ये डिस्कस कर रहे हैं। और किस हिसाब से ये स्टेट के रोल को प्रमुखता से इन्होंने इसमें दिखाया है, कि किस हिसाब से स्टेट बहुत अहम रोल है, या स्टेट को एम्पावरमेंट या एम्पावर करना चाहिए, या उसको रिसोर्स देने चाहिए इसके रिगार्डिंग, कि वो इन सब चीज़ों से लड़ पाए। और तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये मेरी एक गुजारिश है, इनफॉर्मल गुजारिश। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है द की स्ट्रेटजी इज फीजल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट, एक ऐसी आइडिया जो राज्यों को एम्पावर या शक्तिशाली बनाए, या उनको सक्षम करे मौद्रिक रूप से। द सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट विनिंग द वार ऑन कोविड-19 इज लिंक्ड टू द स्टेट बीइंग आर्म्ड विथ एनफ रिसोर्स। अगर इस सेंटर चाहता है कि हमें इस कोविड-19 की वार को या युद्ध को जीतना है, तो हमें सेंटर को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सफुल करना पड़ेगा, उनके हाथ में रिसोर्स नामक या हथियारों को या उनको देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उनको रिसोर्सफुल कर दो जिससे कि वो लड़ पाएँ। और अगर स्टेट लड़ पाएंगे तो सीधी सी बात है, सेंटर की जीत हो जाएगी। द स्केल ऑफ डिस्ट्रप्शन कॉस्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। इस हिसाब से जो कोविड-19 से जितना डिस्ट्रप्शन या जो पूरा का पूरा मचा है, पूरा हाल हुआ है हमारी इकोनॉमी का, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इवन एज वी आर इन द माइडेस्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, देर इज नो क्लैरिटी ऑन टाइम इट विल टेक टू कम आउट द क्राइसिस, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इट विल इन्फ्लिक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड। और अभी हम दूसरे लॉकडाउन के भी मिड में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा, और इसके जो डैमेज हैं और जो इससे डैमेज हुआ है उसके लिए रिलीफ फंड की ज़रूरत है, और फिर से उसको रीस्टेब्लिश किया जाए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एट अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट आर फिजिकली स्ट्रेस, द पेंडेमिक हैज़ फोर्स देम टू अंडरटेक ह्यूज एक्सपेंडिचर टू सेव लाइफ लाइवलीहुड एंड रिड्यूस डिस्ट्रेस, एंड इवन मोर टू क्रिएट स्टिमुलेट टू रिवाइव द इकोनॉमी एज वेल एज मेप टू एग्जिट स्ट्रेटजी। अब क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट है, जो दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही क्या फाइनेंशियली बहुत वीक हैं इस पेंडेमिक के हिसाब से, और इस पेंडेमिक में बहुत बड़े लॉस होने वाले हैं, बहुत खर्चा होने वाला है किन किन चीज़ों को, लाइफ को सेव करने में, और लाइवलीहुड मतलब जीवन और जीवन यापन की जो जरूरत की चीज़ें हैं, या जो कामगार हैं, उन दोनों को सेव करने के लिए बहुत पैसा खर्च होने वाला है। और इससे भी ज़्यादा क्या है कि हमारी इकोनॉमी को एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि वो हम इस कोविड-19 से जब एग्जिट करें तो हमें हमारी इकोनॉमी उतनी हिसाब से रन करने लगे, या उसी हिसाब से जैसा पहला था, पहले था, पूरा की पूरी चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है इनके अकॉर्डिंग। और जब कब चुनौती है, जब लोगों के, सॉरी, स्टेट और सेंटर के पास पैसों की तंगी है, तंगहाली है, फिर भी एक बोल रहे हैं कि नीड फॉर हेल्प। इन्हें टोटल तीन, उसमें अपने एडिटोरियल को तीन मेन पॉइंटों में विभाजित किया है। पहला क्या है, नीड फॉर रिलीफ, रिलीफ की ज़रूरत है। फोकस ऑन हेल्थ एंड इकोनॉमी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें। और तीसरा है, जो रेवेन्यू लॉस हो रहे हैं किस किस हिसाब से हो रहे हैं, तो वो ये इन्होंने पूरा का पूरा ताता या पूरा की पूरी व्यवस्था बताई है किस हिसाब से लॉस हुआ है रेवेन्यू का। तो नीड फॉर रिलीफ, द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल विल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वॉल्यूम ऑफ स्टिमुलस थ्रू द पब्लिक स्पेंडिंग द गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड। अब जो मतलब अगर आप इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड कब करेगा, जब कि कब तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या अर्थ की जो
क्रियाएं हैं, जो जैसे पूरे के पूरे उद्योगों का खुलना और ये सब कितने जल्दी ये स्टार्ट होते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने तेजी से रिवाइवल कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी में। और दूसरी चीज़ इस बात पर भी डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट लोगों को कितना पैसा प्रोवाइड करवाती है कि वो स्पेंड करें, क्योंकि जब तक वो स्पेंड नहीं करेंगे तब तक मार्केट में मनी नहीं आएगी और डिमांड सप्लाई की चेन का बैलेंस नहीं बन पाएगा, तब तक उसमें दिक्कत रहेगी। इट इज़ नाउ अपियर दैट द लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड इन स्टेज एंड रिकवरी प्रोसेस विल बी प्रोलोंग्ड। अब जो लॉकडाउन है वो तो एक स्टेज में अलग हो जाएगा, लेकिन जो रिकवरी प्रोसेस है वो लंबी होने वाली है। द कंट्री इज लिटरली प्लेस्ड द फाइनेंसिंग अ बार लाइक सिचुएशन एंड गवर्नमेंट विल हैव टू पोस्टपोन द फिजल कंसोलिडेशन प्रोसेस फॉर द प्रेजेंट, लूजन इट्स परसिस्टिंग एंड फाइनेंस इट्स डेफिसिट सब्सटेंशियली थ्रू मोनिटाइजेशन। और गवर्नमेंट को क्या, अभी लिटरली जो बार लाइक सिचुएशन है उसमें अभी पोस्टपोन करना होगा, जो टैक्स कलेक्शन है या फीजल कंसोलिडेशन से उसको अभी बंद करना पड़ेगा। और इससे होगा क्या कि इससे उसके जो घाटा है वो बढ़ेगा, जो कि कंटिन्यूसली मोनेटाइजेशन से चला आ रहा है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर गवर्नमेंट टू अनाउंस रिलैक्सेशन इन द स्टेट फीजल डेफिसिट लिमिट टू मेक देम इफेक्टिव पार्टिसिपेंट। दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर गवर्नमेंट अनाउंस रिलैक्सेशन इन द स्टेट फीजल डेफिसिट लिमिट टू मेक देम इफेक्टिवली पार्टिसिपेंट्स इन द स्ट्रगल। और ये अभी समय है कि जो स्टेट का जो घाटा है उसमें भी गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रायोरिटाइज द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर सर्विस। और स्टेट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी बात है कि वो हेल्थ पे ध्यान दें और स्पेंडिंग का निर्धारण करें कि कहाँ ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ खर्च किया जाए। बींग क्लोजर टू द पीपल द स्टेट हैव मच लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइटिंग दिस वार। और इस पूरे के पूरी सिचुएशन में स्टेट के पास क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा उसे ही जिम्मा लेना है। पब्लिक हेल्थ एज वेल एज पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर दोनों ही के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्टेट के सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। इनफैक्ट सम स्टेट वर प्रोएक्टिवली डीलिंग विद कोविड-19 आउटब्रेक बाय इन्वॉल्विंग द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, इवन बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द यूनिवर्सल लॉकडाउन इनवोकिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ऑफ कोर्स सेंट्रल एंट्री 29 टू द कंकरेंट लिस्ट हैज द पावर टू सेट अप रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विच स्टेट प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शन और कंटेजियस डिसीज और पेस्ट इन्फेक्ट मैन एनिमल और प्लांट वाइल सेंटर इंटरवेंशन वॉज डन टू इनेबल कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस मेजर अक्रॉस द कंट्री। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और द ग्राउंड लेवल विल हैव टू बी डन एट द स्टेट लेवल। अब इन्होंने ये बोला कि 1897 का जो महामारी एक्ट है, ठीक है, पेंडेमिक एक्ट, उसके थ्रू स्टेट को ये पावर मिलती है। और कई स्टेट ने तो पहले वो लागू भी कर दिया था, सेंट्रल के जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके लागू करने से पहले स्टेट्स ने क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है उसकी 29 ऑफ कंकरेंट लिस्ट जो पावर देती है सेंटर को कि वो इन्फेक्टेड पीपल्स को रोके और महामारी को रोकने के लिए जो भी मेजर्स हैं वो लिए जाएँ, वो इसलिए लिए जाएँ कि जो स्टेट है उसके साथ या उसको सक्षम करने का एक कारण बने, उसको मतलब उससे कोई विरोध का कारण ना बने बल्कि उसको सक्षम। तो ये कौन देता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो सेंटर को पावर देता है, और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 ये किसको पावर देता है, स्टेट को पावर देता है। तो कई स्टेट्स ने पहले भी लागू कर दिया था, सेंटर ने 2005 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो बाद में लागू किया। लेकिन इनका कहना है कि फाइनली जो ग्राउंड लेवल पे जितने भी काम होने वाले हैं वो कौन फुलफिल करेगा, स्टेट ही फुलफिल करवाएगा। फर्दर मोर स्टेट आर बेटर इन्फॉर्म टू डिसाइड द एरिया एंड एक्टिविटीज वेयर रिलैक्सेशन शुड बी डन एज द कोरोना वायरस कर्व इज फ्लैटन। और ये स्टेट को ही डिसाइड करना है कि कहाँ कोरोना वायरस का कर्व फ्लैट हो गया है, कहाँ ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, कहाँ कंडीशन अच्छी हैं।
होपफुली देयर विल बी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट एंड अपोर्शनिंग ब्लेम। और ये अभी तक देखा गया कि दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट किया, बजाय इसके कि राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम किया हो, कोऑर्डिनेट किया है दोनों ने। फोकस ऑन हेल्थ एंड इकोनॉमी, अब हेल्थ और इकोनॉमी पे जो फोकस है उसको ये डिस्कस करेंगे। द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर टेस्टिंग किट वेंटिलेशन एंड हॉस्पिटल बेड हैज़ बीन अ मेजर हैंडीकैप एंड इमीडिएट टास्क ऑफ स्टेट टू रैंप अप देयर अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई। जिस हिसाब से जो मेडिकल इक्विपमेंट कोरोना वायरस के रिगार्डिंग लड़ने के लिए है उनकी कमी हो रही है, तो स्टेट को तुरंत ये चाहिए कि वो उन चीज़ों को तुरंत बढ़ावा दे या उनकी पूर्ति करे। इन एडिशन दैट डिस्ट्रप्शन कॉज बाय द लॉकडाउन हैज कॉज द अनटोल्ड माइजरी एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू माइग्रेंट लेबर एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर हैड टू फोकस। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी भी इस लॉकडाउन ने बहुत बुरी तरह के एक कमर तोड़ दी है, उनकी हालत ख़राब कर दी है, तो उन पर ही फोकस देना पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ, फिर अभी माइग्रेंट फोर्स। द पेंडेमिक हैज़ अंडरलाइन हिस्टेरिकल निगलेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर इन कंट्रीज। और पेंडेमिक ने जो हेल्थ केयर सेक्टर को शुरू से निगलेक्ट किया गया है उसकी बैंड बजा रखी है अभी तक। द टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वर्कआउट टू अ 1.3 GDP। सेंट्रल और स्टेट जो जीडीपी का 1.3% ही हेल्थ केयर पर ख़त्म या खर्च करती है। इन 2017-18 इन पर कैपिटल टर्म द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ वेरीड फ्रॉम मात्र एवेसमल, मतलब मात्र, ये पूरे के पूरे जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो एक बार आप सर्च कीजिए, क्योंकि फाइनली आफ्टर ऑल वो कैब सेक्शन आपको ही कवर करना है, तो इसलिए मैंने मार्क कर दिए हैं। और भी अगर आपको लगते हैं देन यू कैन और आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो मात्र कितना था, 690 करोड़, कहाँ, बिहार में था, मेडिकल पे खर्च होने वाला है, पब्लिक हेल्थ तो मेडिकल पे, 814 करोड़ उत्तर प्रदेश में था, और हाईएस्ट 2092 केरला में था। द करेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम द नेशनल हेल्थ मिशन इज इनएडिक्वेटली फंडेड। जो नेशनल हेल्थ मिशन की जो स्कीम चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो भी प्रॉपरली फंडेड नहीं है, उसको प्रॉपर पैसा नहीं मिला। विथ ग्रांट गिवन अंडर मोर देन 2000 हेड एंड पुअरली टारगेटेड। द फोकस ऑफ आयुष्मान भारत हैज बीन एडवोकेटेड इंश्योरेंस रेदर देन बिल्डिंग द वेलनेस सेंटर। जो आयुष्मान भारत भी है वो इंश्योरेंस टाइप की स्कीम है, ना कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से बनाने की स्कीम। बिसाइड प्रोटेक्टिंग लाइव एंड लाइवलीहुड स्टेट विल हैव टू इनिशिएट अ फैसिलिटेट इकोनॉमिक रिवाइवल एंड टू विल रिक्वायर सब्सटेंशियल एडिशनल स्पेंडिंग हैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच हैव कम्प्लीटली सीज प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू फार्मर्स हु हैव लॉस्ट पेरिसेबल क्रॉप एंड प्रेफरिंग देम फॉर शोइंग इन खरीफ सीजन और अदर टास्क दैट रिक्वायर स्पेंडिंग। अब स्टेट को क्या करना है कि जो लाइव है और लाइवलीहुड दोनों, जीवन और जीवन यापन दोनों ही चीज़ों को बचाने के लिए उसे ध्यान देना पड़ेगा स्मॉल उद्योगों की तरफ, और जो किसान हैं जिनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और जो उन फसल बर्बाद हो गई तो उनके पास फंड की कमी है, और जो स्मॉल उद्योग हैं वो भी फंड से जूझ रहे हैं क्योंकि उनकी लॉकडाउन में अभी पूरा का पूरा बिजनेस बंद है। तो इन सबको रिवाइवल करने के लिए जहाँ जहाँ फंड की रिक्वायर है वहाँ भी स्टेट को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और क्यों ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जीवन और जीवन यापन दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। इन फैक्ट स्टेट हैव बीन प्रो एक्टिव, केरला केम आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एलोकेटिंग 2000 करोड़ टू फाइट द पेंडेमिक। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट हैव टेकन मेजर to provide food the needy basis ramping up the healthcare system requirement। और केरला ने 2000 करोड़ जो अलाउ कर दिए हैं इससे लड़ने के लिए, और मोस्टली जो स्टेट ने उसने उन्होंने भी अपने अपने मेजर ले लिए हैं। फिर क्या है, एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेज वेल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट इमीडिएट एक्सपेंडिचर इज लार्ज। अब स्टेट अगर ये सब काम करेगा तो उसके लिए क्या, तुरंत के तुरंत क्या चाहिए, पैसे चाहिए पड़ेंगे।
दे आर सेवरली क्रिपल्ड इन देयर रिसोर्स, लेकिन वो इन सब चीज़ों में बहुत बुरी तरीके से क्या है, पंगू है। अभी स्टेट के पास पैसा नहीं है। इन द लॉकडाउन पीरियड देयर हैज़ वर्चुअली बीन नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू जनरेट एनी रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन फी, मोटर व्हीकल टैक्स, सेल्स टैक्स, हाई स्पीड डिसीज एंड मोटर स्प्रिट। किसी भी प्रकार के टैक्स स्टेट कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ बंद हैं, और अगर एक्टिविटीज़ बंद हैं तो स्टेट के पास किसी भी टाइप का पैसा अभी नहीं आएगा। द रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज स्टेगनेंट एंड कंपनसेशन ऑन टाइम फॉर लॉस ऑफ रिवेन्यू हैज़ नॉट बीन फॉर्थ कमिंग। अब क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो स्थिर है, और जो अभी रेवेन्यू का लॉस हुआ है तो वो कोई फुलफिल नहीं होने वाला आगामी दिनों में। इन कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रिपोर्टेड दैट अगेंस्ट एस्टिमेटेड 12,000 करोड़ एवरी मंथ, द स्टेट मे नॉट बी एबल टू जनरेट इवन 300 करोड़ इन अप्रैल। अब जहाँ कर्नाटका 12,000 करोड़ कलेक्ट करता था टैक्स के फॉर्म में, उसने अभी तक 300 करोड़ भी कलेक्ट नहीं कर पाए हैं अप्रैल की अगर बात कर की जाए तो। एज द रिकवरी प्रोसेस विल बी स्टेगर्ड, इट इज़ डाउटफुल वेदर टैक्स रेवेन्यू विल रजिस्टर एनी पॉजिटिव ग्रोथ इन 2021। इस हिसाब से अगर हम देखें तो टैक्स कलेक्शन जिस हिसाब से स्टेगर्ड है, तो हम इन्हें नहीं लगता कि 2021-22 में कोई पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। नॉट सरप्राइजिंगली द स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू मोनेटाइज लैंड थ्रू ऑक्शन टू गेट मनी बिसाइड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज कंस्ट्रक्शन बाय पेइंग हाई फी। अब जो स्टेट है उसने ऑक्शन के थ्रू भी मोनेटाइज कर दिया लैंड्स को, और जो फर्जी या जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे उनको भी अलाउ कर दिया है कि वो ज़्यादा फीस दें, और दे कैन डू उनका मतलब वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं। बट दिस पोजिशन टैक्स तब भी हाई फी मतलब ये सब भी मतलब स्टेट ने अलाउ कर दिया। द पोजीशन रिगार्डिंग टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर इज इवन मोर प्रिकेरियस। अब क्या है, जो जीएसटी का जो इनका हिस्सा है, जो टैक्स कलेक्शन का सेंटर जो इनको देती है, उसका भी अभी कोई हता पता नहीं है कब हस्तांतरण है, कब स्टेट को ये चीज़ मिलेगी। टू बिगिन विद, टैक्स डिवोल्यूशन इन यूनियन बजट एस्टिमेटेड लोअर देन द कमीशन एस्टिमेटेड बाय 17,995 करोड़। जो ये फाइनेंस कमीशन ने ये एस्टिमेटेड दिया था, उससे भी कम क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है। इनफैक्ट द बजट एस्टिमेटेड 2020 इटसेल्फ अ यूज ओवर एस्टिमेटेड व्हेन सीन अगेंस्ट द 11 month एक्चुअल कलेक्शन इन 2020। और जो 2020-21 में है वो भी क्या होगा, ओवर कलेक्शन या ओवर कलेक्शन डेटा के फॉर्म में ये ज़्यादा शो होगा कि भाई जिस हिसाब से ये 70,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है तो उसमें भी ज़्यादा अनुमान लगाया जाएगा और वास्तविक रूप में वो कम ही मिलेगा। इट रिक्वायर ग्रोथ टू अचीव बजट एस्टिमेटेड इज 33.33% ओवर द एनुलाइज एक्वल एक्चुअल कलेक्शन। तो इसके हिसाब से क्या है, जो एक्चुअल कलेक्शन हुआ है उसमें 33% की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये चीज़ अचीव होगी। द प्रोजेक्शन आर दैट द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल GDP इज 2021 विच इज जस्ट अबाउट 4%, एंड इफ द टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय द सेम रेट, डिवोल्यूशन टू द स्टेट वुड बी लोअर बाय 2.2 लाख करोड़ देन फाइनेंस कमीशन एस्टिमेटेड। अब अगर मान लो 4% की दर से ये टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, तब भी क्या है, 2.2 लाख करोड़ का फिर भी घाटा है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ 9,173 करोड़, 9,173 करोड़ का इसका परिणाम स्वरूप लॉस होगा तमिलनाडु के लिए सिर्फ, 9,000 करोड़ का आंध्र प्रदेश के लिए, और 8,000 करोड़ का कर्नाटका के लिए लॉस होगा, 4,000 करोड़ का तेलंगाना एंड 4,255 करोड़ का केरला के लिए लॉस होने वाला है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर स्टेट्स टू गो बैक टू द फाइनेंस कमीशन विद अ रिक्वेस्ट टू मेक अ गिव सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। और ये सब समय है कि स्टेट जाएँ फाइनेंस कमीशन के पास फिर से, और वो ये कहें कि भाई आप सप्लीमेंट्री रिपोर्ट लाइए और जो डेटा को करेक्ट करें, चीज़ों को करेक्ट करें। द वार ऑन COVID-19 कैन इफेक्टिवली वन ओनली वेन द स्टेट आर आर्म्ड विद एनफ रिसोर्स टू मीट द क्राइसिस। और ये जो वार लाइक सिचुएशन है COVID-19 के अगेंस्ट, वो तभी जीती जा सकती है जब
स्टेट को क्या किया जाए, रिसोर्सफुल किया जाए, वो किसी फॉर्म में हो, चाहे पैसों के फॉर्म में है चाहे मदद के फॉर्म में हो। बट एज मेंशन्ड अर्लियर दे आर फेस्ड विद स्टैग्नेंट रेवेन्यू व्हाइल देयर एक्सपेंडिचर कमिटमेंट आर यूज्ड। अब जैसा कि लेकिन हम पहले देख चुके हैं या उस पर बात कर चुके हैं कि उनका रेवेन्यू तो स्टेगनेंट है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। देर इज़ ओनली लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड रीप्रायोरिटाइजेशन नाउ। और अभी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भाई कहीं कहीं जो एक्सपेंडिचर हो रहा है या कहीं उद्योगों में पैसा लगाना था उसको हम स्विच कर लें और प्रायोरिटाइज जो प्रायोरिटी है या प्राथमिकताएं हैं वो हम बदल दें, जिससे वहाँ का पैसा भी जहाँ खर्च होना है वहाँ खर्च हो जाए। देयर बोरोइंग स्पेस टू इज़ लिमिटेड बाय द फिजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लिमिट 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जिनकी बोरोइंग है वो भी लिमिटेड है क्योंकि पूरा का पूरा मैनेजमेंट फिजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण 3% तक ही इनकी बोरोइंग है अभी के लिए। फेस्ड विद द एक्यूट फंड क्रंच केरला फ्लोटेड 15-ईयर बॉन्ड बट फेस्ड विद द ह्यूज अपसर्ज इन यील्ड ऑफ 8.96। अब केरला और ये क्या है, बहुत ही फंड की तंगी से जूझ रहे हैं पूरे के पूरे। केरला ने जहाँ तक 15-ईयर के बॉन्ड भी निकाल दिए हैं लेकिन उसके बाद भी 8.96 तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है या दूर की कौड़ी है। द अनाउंसमेंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द इंक्रीज द लिमिट ऑफ बे एंड मीन एडवांस्ड बाय 60% ऑफ द लेवल प्रेस्क्राइब इन मार्च 31 कुड हेल्प स्टेट टू प्लान देयर बोरोइंग बेटर। अब जो पहले जो प्लान था स्टेट का बोरोइंग का, RBI ने उसे बढ़ाकर 60% बढ़ा दिया है। बट दैट इज टू लिटिल टू प्रोवाइड मच रिलीफ। लेकिन ये बहुत छोटा है इस जो जिसके अकॉर्डिंग या जिसके अकॉर्डिंग जितना हमें पैसा चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम है। देयर फोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल बोरोइंग स्पेस बाय 2%। अब जो बोरोइंग स्पेस अभी 3% है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ा के स्टेट के लिए 2% और बढ़ा देना चाहिए। GSP फ्रॉम द प्रिवेलिंग 3% GSP जो प्रचलित 3% है उसको बढ़ा के 2% और बढ़ा देना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, तो 5% हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम टू फीजली एम्पावर्ड स्टेट टू वेजेस द COVID-19 वार एंड ट्रस्ट देम टू स्पेंड ऑन प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड एंड इनिशिएट द इकोनॉमिक रिकवरी। और इस हिसाब से क्या है कि हमें स्टेट को क्या करना पड़ेगा, पावरफुल करना पड़ेगा और उसको पावरफुल करके उन पर विश्वास करना पड़ेगा कि दे वुड हेल्प टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। तो ये पूरा का पूरा है। और जो इकोनॉमिक जो रिकवरी है या इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की जो प्रॉपर मैनेजमेंट है या जिस हिसाब से पहले रन कर रही थी उस हिसाब से रन करवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। आई होप यू एन्जॉयड दिस। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर टुडेज।